केंद्रीय हिंदी संस्थान भुवनेश्वर आनुकूल्य 11 दिनिया हिंदी भाषा प्रशिक्षण शिविर जाजपुर पूरांचल अंतर्गत गरियापुर उपरा विद्यालय परिसर में उद्घाटित हो जाएगी। हिंदी शिक्षा संस्थान विरजा क्षेत्र कार्यकारी सभापति उपेन्द्र साहू को सभापतित्व में वरिष्ठ सांबादिक आनंद चंद्र साहू मुख्य अतिथि भाव जोगद प्रशिक्षण शिविर को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करते। अन्यतम अतिथि भाव क्षेत्रीय निर्देशक रंजन कुमार दास, विद्यालय प्रधान शिक्षेत्री सरोजिन नायक, संस्थार सचिव रवि शतपथी, कोषाध्यक्ष पूर्णचंद्र साहू, जुग्म सचिव वेणुधर महाराणा, परीक्षा योजक जहरुद्दीन खान प्रमुख जोगद यह प्रशिक्षण शिविर आभिमुख्य संपर्क में मतव्यक्त करते। यह अवसर में वरिष्ठ सांबादिक आनंद चंद्र साहू क्षेत्र निर्देशक रंजन कुमार दास को संबर्धित कर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि द्वारा भाषा किरण पत्रिका उन्मोचन कर शिविर में जिलार विभिन्न अंचल 70 ऊर्ध छात्र छात्री जोगद प्रशिक्षण ग्रहण करते। मो ना हूँ रवि शतपथी, मुझ जे अवसरप्राप्त शिक्षक। ए दीर्घ 12 वर्ष होगा केवल जाजपुर जिला नुह, जाजपुर जिला बाहर हिंदी प्रचार प्रसार कार्य संस्था व्यस्त अच्छी। केवल प्रचार प्रसार नुह, पिला परीक्षा मध्यम अधिक हिंदी भाषा जाणवा कार्यक्रम आज जो प्रशिक्षण आपड़ देखुं प्राय 70-80 पिला मान उपस्थित अच्छा 11 दिन धरी से हिंदी भाषा पढ़े। आग्रा हैदराबाद भुवनेश्वर विशिष्ट अध्यापक मैंने आने 11 दिन पाठ से पढ़े हिंदी पिला हिंदी भाषा अधिक ज्ञान प्रदान करने लगी वर्तमान 11 दिन पाठ्यक्रम पाठ्यदान कार्यक्रम चलो पिलाने पढ़े। यहाँ हूँ आम संस्था मध्यम ही हूँ 8 वर्ष होगा जाजपुर प्रशिक्षण शिविर चली पाने आठ पढ़ुं परीक्षा भी दौरान एवं आम जाजपुर केमी हिंदी भाषा को अधिक प्रचार प्रसार करूँ से उद्यमरत जे हिंदी शिक्षा संस्थान ओडिशा आमर जो संस्था दीर्घ 9 वर्ष होगा आम गोटे पत्रिका छपोच हिंदी भाषा ता ना हूँ हिंदी भाषा किरण। ये हूँ भारत बर्षर 500 जगह को पठा जाऊँ से मूल्यवान लेखा पठाऊँ बाहर आपणकर जम्मू काश्मीर कन्याकुमारी आपण एकटे आसाम गुवाहाटी आरंभ करी गुजरात पर्यंत लेखा आंपक आसे आम तक पत्रिका पठाऊ ये कार्य चल जाए। जाजपुर सुनेलिका साहू रिपोर्ट, जाजपुर न्यूज़।